गाइस, क्या आपको पता है कि आप लोग भी फ्री में बारकोड को जनरेट करके फ्रीलांसिंग साइट से पैसे अर्न कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बंदे जो है वो फ्री में बारकोड को जनरेट करके पैसे कमा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का एक ISBN बारकोड है। अब इसको क्रिएट करने का ये जो चार्ज करता है ये बंदा 2100 रुपये तक ये एक ISBN को चार्ज बनाने का लेता है। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर 2590 रुपये लेता है, और अगर प्रीमियम की बात करें जहाँ पर ये 2 ISBN कोड जनरेट करता है उसका ये 4500 रुपये लेता है। तो किस तरह से आप लोग भी इसे फ्री में बनाकर अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं फाइवर पर, अपवर्क पर या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पर, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसने ऑलरेडी 171 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2159 से कि इसने अभी तक ये ISBN जो बारकोड है इसको जनरेट करके कितने पैसे अर्न कर चुका होगा। तो इसको सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो बारकोड होता है वो कई तरह का होता है, सिर्फ ISBN बारकोड नहीं होता है। अगर आप लोग डिफरेंट टाइप्स के बारकोड जनरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये फाइवर, इस पर आप सर्च करेंगे बारकोड तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर जो बंदा है वो अपना ऐड लगाया हुआ कि मैं इस तरह का बारकोड जनरेट कर दूंगा। कोई QR कोड जनरेट करता है, कोई बैंकिंग का बारकोड जनरेट करता है, तो आप लोग भी इस तरह के बारकोड जनरेट कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले आपको ISBN बारकोड जनरेट करने के लिए बताऊँगा कि आपको एक वेबसाइट है Candlepreneur, और आपके वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके आ सकते हैं। अगर आपको ISBN बारकोड जनरेट करना है तो सबसे पहले तो आपको क्लाइंट से मिलेगा ISBN का 13 डिजिट का जो ISBN नंबर होता है वो। अब जो भी आपका नंबर होगा उसको यहाँ पर टाइप कर देना। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा किस तरह से करना है। तो 13 डिजिट का जो नंबर रहेगा आपके क्लाइंट से मिलता है, जो भी क्लाइंट आपको देगा उसी को टाइप करना है यहाँ पर, और एग्जांपल ऊपर में लिखा हुआ इस तरह से आपको टाइप करना होता है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, और इसमें प्राइस भी हमें लगाना होगा, इंटर बुक प्राइस, जो भी बुक प्राइस आपका बोलेगा जो क्लाइंट है वो यहाँ पर टाइप कर देना, और ये $ में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बाहर के लोग ही आपको ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पर मैं $ में 29.99 लिख देता हूँ। और यहाँ पर स्टेप 3 में फॉर्मेट चूज़ करना है, PNG, JPG, PDF, किसी में भी आप लोग फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने JPG चूज़ किया, और डाउनलोड बारकोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे और ओपन करके दिखाते हैं, कुछ इस तरह का ये बारकोड आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर 13+5 डिजिट का ISBN बारकोड जनरेट हो चुका है, और ऊपर में $ यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग फ्री में बारकोड जनरेट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, और जो भी आपको क्लाइंट से पैसे मिलेंगे आप मिनिमम यहाँ पर रखिएगा उतना आपको फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे। और ऐसे नहीं, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के, अगर आपको दूसरा ऑर्डर कोई क्लाइंट बोलता है कि आपको QR कोड जनरेट करना है, या पेमेंट का QR कोड जनरेट करना है, या फिर आपको बिजनेस कार्ड जनरेट करना है, तो सभी आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं। ये जो वेबसाइट है इस पर सिंपल सा आ जाइएगा, ये काफ़ी एडवांस वेबसाइट है, इस पर हर तरह के आप लोग बारकोड जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लीनियर कोड अगर जनरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इसके अंदर भी सब कैटेगरीज रहती है। राइट साइड में आपको देखेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर डेटा इनपुट करना है और आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए पोस्टल कोड है, GS1 डेटा बार भी बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं को आपको मिलेगा काम, तो वो भी आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। 2D कोड्स है यहाँ पर, हेल्थ केयर से रिलेटेड, मोबाइल टैगिंग है, बैंकिंग एंड पेमेंट्स है। अगर बैंकिंग एंड पेमेंट्स का EPC QR कोड बनाना चाहते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी जो भी आपके क्लाइंट से मिलेगा, और जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे राइट साइड में आपको बन के मिल जाएगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं एक QR कोड जनरेट करके दिखाऊंगा, बिजनेस कार्ड आपको बनाकर दिखाता हूँ। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं ये जो बिजनेस कार्ड है, मैंने इस पर क्लिक किया और QR कोड पर, तो यहाँ पर जो डिटेल्स भरने के लिए बोलेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रेफिक्स है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है गाइस, superkicks.in। अब मान लीजिए कोई एक आपको किसी ने बोला है कि मेरे वेबसाइट के लिए एक बिजनेस कार्ड आप लोग जनरेट कर दीजिए, तो यहाँ पर से मैं कर देता हूँ। इसके लिए ये जो स्टोर है इसका यहाँ पर सबसे पहले नेम लिखना, आप लोग जो भी नेम होगा वो टाइप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जो नेम है उसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो भी नाम था, जॉन, ओके, लास्ट नेम मैंने यही रहने दिया है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर टाइप करना होगा, जो भी क्लाइंट से आपका फ़ोन नंबर मिलेगा, जो भी बिजनेस का फ़ोन नंबर होगा वो आपको टाइप करना होगा। तो फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं, और आपको मैं यहाँ पर ओपन करके भी दिखाऊंगा ये QR कोड को स्कैन करके किस तरह का ये दिखता है। और ये ईमेल है, ईमेल आईडी जो भी होगी यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूँ, superkicks@gmail.com। ओके, आपका जो भी क्लाइंट से मिलेगा उसी ईमेल को करना है, ऐसा नहीं जो भी अपने हिसाब से कर देना। यहाँ पर बर्थडे अगर आपको उसने कहा है तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ, बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस भी आप लोग टाइप कर लीजिएगा, एग्जैक्ट एड्रेस। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सिर्फ छोटा छोटा ले रहा हूँ, यहाँ पर दिल्ली इंडिया मैंने टाइप कर लिया है। वेबसाइट यहाँ पर है, तो वेबसाइट का भी जो लिंक होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इधर से उठाकर। ओके, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं आप लोग,
और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे में ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, टेक आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं फुटवेयर लिख दूंगा, ओके, या फैशन स्टोर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर एक और फ़ोन नंबर है वर्क जो करता है, वर्क का है, तो यहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फ़ोन नंबर भी, एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर जो होगा उसको टाइप करने के बाद देन यहाँ पर मैं सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो QR कोड है डाउनलोड हो जाएगी, उसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये QR कोड कुछ इस तरह का डाउनलोड हो चुका, आप लोग क्लाइंट को अपने दे सकते हैं। अब इसको मैं आपको स्कैन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग मोबाइल से स्कैन करेंगे, यहाँ पर मैं अपना स्कैनर ओपन कर लेता हूँ, और देन यहाँ पर जो स्कैन करेंगे इसको, तो स्कैन करने पर देखिएगा ये कुछ इस तरह का बिज़नेस कार्ड जो है जनरेट हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपना भी चाहें तो अपना बिज़नेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, या आपका क्लाइंट अगर बोलता है तो वहाँ से क्रिएट करके उसे दे सकते हैं। और आपको इजीली यहाँ पर 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये तक मिल जाएंगे यहाँ पर, और बिल्कुल फ्री में आप लोग, ये वेबसाइट है, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना साइन अप है ना लॉगिन है, फ्री में आप लोग आइएगा और यहाँ पर हर तरह के QR कोड्स, बारकोड्स जनरेट कर सकते हैं। और उम्मीद है गाइस वीडियो पसंद होगी, वीडियो में तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।